नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हाँ चैनल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, एक तरफ तो जो तमाम कवायदे हैं वो इस ओर हो रही हैं कि जीत उनकी हो, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के लिए सरदर्दी उम्मीदवारों को लेकर भी है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि उम्मीदवारों को लेकर आखिरकार कैसी सरदर्दी। देखिए, जिन पार्टियों के पास उम्मीदवारों की कमी है उनके लिए तो कोई सरदर्दी यहाँ ऐसी नहीं होगी बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जो पार्टी इस बार अपने आप को मजबूत साबित करने में जुटी हुई है और जिसका पलड़ा इस बार भारी भी नजर आ रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो पार्टी इस बार अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा फोकस कर रही है, और सत्तासीन पार्टी की भी अगर बात करें तो ऐसी पार्टीज के लिए फिलहाल सबसे बड़ी सरदर्दी है आखिर कौन होगा उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की मत्थापच्ची भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की 403 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो सरदर्दी है वो तो है ही, लेकिन फिलहाल बात करेंगे आज हम वेस्टर्न यूपी की। दरअसल वेस्टर्न यूपी की 7 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल सरदर्दी बनी है। अब सोचिए कि सरदर्दी की वजह क्या है। 7 सीटें और उम्मीदवारों के लिए जो फॉर्म भरे गए, यानी जिन लोगों ने उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा है, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार टिकट उनको मिलना चाहिए, आप सोचिए ऐसे लोगों की तादाद कितनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 नहीं, 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने लिए फॉर्म भरा है। यानी विधानसभा 7, लेकिन फॉर्म आए हैं 100 से भी ज्यादा। अब सोचिए समाजवादी पार्टी के लिए मत्थापच्ची होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी। देखिए, मत्थापच्ची भी है, दूसरी एक और खास बात आपको बता दें, अगर पिछले बार की चुनाव की बात करते हैं तो पिछली बार इन 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, और 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बाकी की और सीटों पर हार मिली थी, जिनमें से देखिए पिछली बार 2 तो जो सीटें थी वो गठबंधन के तहत कांग्रेस के पास थी, क्योंकि उस दौरान में 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और ऐसे में 2 सीटें, वो चाहे आप दक्षिणी मेरठ की बात कीजिए या फिर इसके अलावा कैंट की आप बात कीजिए, ये दरअसल जो एरिया है इन 2 सीटों पर जो उम्मीदवार थे वो उतरे थे कांग्रेस के, और उनकी हार हुई। रफीक अंसारी शहर से इकलौते ऐसे विधायक थे जो उस दौरान में जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार मत्थापच्ची इस बात को लेकर है कि इन 7 सीटों को लेकर आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। अब इस बीच एक और खास बात यह भी है, क्योंकि फिलहाल आरएलडी से गठबंधन तो क्लियर अभी तक नहीं है, क्योंकि बार बार जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2022 का फैसला 2022 में करेंगे, यानी एक ऐसा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि 2022 के लिए अभी गठबंधन को लेकर क्या नियम शर्तें होंगी ये तय नहीं है, इसलिए 2022 की बात 2022 में करने की बात जयंत चौधरी कह रहे हैं। अब अगर गठबंधन रहता है, होता है, तो 2 सीटें चली जाएंगी जयंत चौधरी यानी उनके पार्टी के खाते में, तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा सरदर्दी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए, दूसरा उनके करीबी भी, दूसरा इस बार जो 100 उम्मीदवारों के नाम अभी तक सामने आए हैं या उससे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें वो दिग्गज भी हैं जिन दिग्गजों ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, कई बार चुनाव लड़ा, मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, लेकिन अब उनके अलावा युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। और देखिए, अखिलेश यादव इस बार के चुनाव को एक अलग स्ट्रैटेजी के दम पर लड़ना चाहते हैं, इस बार सिर्फ वही दिग्गज रिपीट नहीं होंगे, ऐसा बार बार उनके बयानों से समझ में आता है, और जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार हो सकता है कि अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस करे और युवाओं की भागीदारी को इस बार बढ़ाए। तो ऐसे में देखना होगा कि दाव अखिलेश यादव किस पर लगाते हैं, अपने उन पुराने साथियों पर जो इससे पहले जीते और मंत्री भी बने, या फिर इस बार कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी।